नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। किसान आंदोलन अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ये अपील याचिका दायर की गई है कि किसान आंदोलन जिस तरीके से हो रहा है वो देश में एक समस्या खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से आए दिन जाम हो रहा है और लोगों को दिल्ली में तमाम असुविधाएं हो रही हैं। साथ ही साथ ये भी गुहार लगाई गई कि किसान आंदोलनकारी या वो संगठन जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो सरकार से बात करने के लिए तैयार नहीं है और किसी भी मुद्दे पर सहमत नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर खुद संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सरकार से भी पूछा कि आप समझौते के लिए क्या कर रहे हैं, नोटिस जारी किया। साथ ही साथ किसान संगठनों पे भी डांट लगाई और किसान संगठन जो कि बार बार सरकार बात कर रही है उस पे किसान संगठन अड़े हुए हैं और वो समझौते के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि समझौता जरूरी है, ऐसे मुद्दे पर जल्द से जल्द समझौता होना चाहिए क्योंकि इससे देश को समस्या हो रही है और आम नागरिकों को समस्या हो रही है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ने सुनवाई किया है सुप्रीम कोर्ट में और साफ तौर पे कृषि कानून के खिलाफ 20 दिन में जो दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी हुआ है उस पर सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं में प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो किसानों के पक्ष को भी सुनना चाहते हैं। इसी के साथ किसान संगठनों को एक नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अदालत ने सरकार, किसान और अन्य स्टेक होल्डर्स की कमेटी बनाने को कहा है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए कि आपकी क्या राय है, क्या किसान संगठन सही मांग कर रहे हैं, जायज मांग है या जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, क्या सिर्फ किसान संगठन ही इसमें इन्वॉल्व है या कई राष्ट्रीय पार्टियां, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बार बार उनको बहकाने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें चीफ जस्टिस के अगुवाई वाली बेंच का कहना है कि राष्ट्रीय मुद्दा सहमत से सुलझाया जाना चाहिए। ऐसे में जल्द से जल्द कमेटी बनाकर चर्चा हो। अदालत की ओर से किसान संगठनों को नोटिस दिया गया है कि अब इस मामले पर पहले यानी कल गुरुवार को सुनवाई होगी, फिर आगे का निर्णय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों के साथ साथ केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को भी नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ ये भी हम आपको बता देते हैं। सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ता यानी कि जिसने मुकदमा किया था, याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग केस का हवाला दिया गया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप चाहते हैं बॉर्डर खोल दिया जाए, जिस पर वकील ने कहा कि अदालत ने शाहीन बाग केस के वक्त कहा था कि सड़कें जाम नहीं होनी चाहिए। बार बार शाहीन बाग का हवाला देने पर चीफ जस्टिस ने वकील को टोका। उन्होंने कहा कि वहां पर कितने लोगों ने रास्ता रोका था, कानून व्यवस्था के मामले में मिसाल नहीं दी जा सकती है। सीजीआई ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या किसान संगठनों को केस में पार्टी बनाया गया, यानी कि विपक्ष की पार्टी बनाई गई है। किसान संगठन सिर्फ और सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं, ये जांच और सुनवाई करने वाली मांग जो है ये विपक्ष के लोग हैं, वो लोग जो सत्ता पक्ष के समर्थक हैं और जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो दिल्ली में बवाल हो रहा है वो अब बंद होना चाहिए और किसी न किसी स्तर पे सहमति होनी चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गए। खैर, किसान संगठन जो है उनको पता है कि कोर्ट में क्या निर्णय आने वाला है, वो नहीं जा रहे हैं अभी कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि जल्द से जल्द समझौते पर आए और सरकार से सहमति बनाए किसी भी मुद्दे पर। अदालत में वकील जी एस मणि ने कहा कि मैं किसान परिवार से आता हूं, इसलिए अपील की है, जिस पर अदालत ने उनसे जमीन के बारे में पूछा। वकील ने बताया कि उनकी जमीन तमिलनाडु में है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा तमिलनाडु की स्थिति और पंजाब हरियाणा से नहीं तोला जा सकता है। एक सवाल आता है बार बार कि क्या पंजाब और हरियाणा में ही किसान है? अगर पंजाब हरियाणा में किसान है तो ठीक है, किसान कानून बना है वो अपने प्रदेश में उसको लागू ना करवाएं और प्रदेश के स्तर पे बात करें। खुद पंजाब की सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह कृषि कानूनों को लागू करने से मना कर चुके हैं, फिर ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाने की क्या आवश्यकता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तमाम जो राज्य हैं जिनको इस कृषि बिल से समस्या नहीं है उनको बीच में क्यों लाया जा रहा है? और वो ये पंजाब और हरियाणा के लोग खुद को उनका नेता क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इनकी मांग जायज है? अगर जायज है तो अपने हित के लिए है या पूरे देश के किसानों के हित के लिए है, इस विषय पर भी विचार होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि किसानों का भी पक्ष सुनना जरूरी है और जाहिर सी बात है
ठोस दलील नहीं है उनके पास, ऐसे में रास्ते किसने बंद किए हैं, जिस पर सॉलिसिटर जनरल यानी कि चीफ जस्टिस ने कहा कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद किए हैं, जिस पर सीजीआई ने कहा जमीन पर मौजूद आप ही मेन पार्टी हैं, मेन पार्टी आम आदमी पार्टी है, वहां पे जमीन पे आंदोलन करें। अदालत ने कहा वो किसान संगठनों के पक्ष में सुनेंगे, साथ ही सरकार से पूछा कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ, सरकार से भी जवाबदेही बनती है, सरकार से उन्होंने पूछा। अदालत की ओर से अब किसान संगठनों को नोटिस दिया गया है, अदालत ने कहा कि ऐसे मुद्दे पर जल्द से जल्द समझौता होना चाहिए। आपको बता दें कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर लंबे वक्त से डेरा जमाया हुआ है, किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है। यह सही है, अगर सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ऐसी भी सरकारें आई जिन्होंने तानाशाही किया, जिन्होंने अपने बिल को जबरदस्ती लोगों पर लागू करवाया, लेकिन एक सरकार है जो कह रही है हम इस कृषि बिल में संशोधन करने के लिए तैयार हैं, यानी कि मनसा साफ है। सरकार चाहती है कि नया बदलाव हो, कृषि बिल में बदलाव हो, जिससे जनता यानी किसान के आय में वृद्धि हो, लेकिन अगर उसमें कुछ खामियां होती है, किसानों को लगता है कि इस कृषि बिल में कुछ सुधार हो सकता है, संशोधन हो सकता है, तो सरकार तैयार है। यही बात किसान संगठनों को और खास तौर से पॉलिटिकल पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा है कि यदि संशोधन के लिए सरकार तैयार है तो ये यहां से संशोधन के लिए सहमति जतानी होगी और यहां से आंदोलन बंद करना चाहिए। लेकिन बात है खुद के राजनीतिक हितों की, ये पार्टियां राजनीतिक दांव खेल रही हैं इस आंदोलन के माध्यम से, इसलिए वो संशोधन पर तैयार नहीं रही हैं। जुड़े रहें आप हमारे चैनल के साथ, सुप्रीम कोर्ट का कल क्या निर्णय आने वाला ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों पे भी और सरकार को भी दोनों को नोटिस भेजा है कि संशोधन पे तैयार क्यों नहीं रहे हैं किसान संगठन और सरकार ने अभी तक क्या बातें की, सारी चीजें जवाबदेही बनती है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।